you sit down like that. आज इस राज्य के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आईटी विभाग के माध्यम से आज विशेष रूप से जो जनजाति समाज के लोग या पीछे या अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति रहते हैं ऐसे लोगों के लिए व्यापार के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ऐसे कार्यक्रम में इस राज्य की मुख्य सचिव आदरणीय श्रीमती राजबला वर्मा जी सचिव आईटी श्री सत्येंद्र सिंह जी यूनिसेफ से श्री जी आर पालकर जी झारखंड से श्रीमती रेणु पणिक्का जी निदेशक आईटी उमेश जी इरफान आलम जी यहाँ पर बैठी महिला आयोग की अध्यक्ष और पूरे राज्यों से आए आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी और मीडिया के दोस्तों सचमुच अभी चीफ सेक्रेटरी हमें बता रही थी कि कौन लोग इसमें हिस्सा लिए हैं और सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और राज्य सरकार की ओर से ये पहला पहल है पहला कदम है कि हम अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ाए इस सहभागिता के साथ उनको आज बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। हम जानते हैं कि देश अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो देश बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और झारखंड भी बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है और हर सेक्टर में झारखंड काम कर रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्टर आज के आज वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है इसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम अगर उदाहरण आपको दें क्योंकि शिक्षा के बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता और शिक्षा के बिना अपना अधिकार कोई पहचान नहीं सकता इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कितना काम कर रही है ये एक प्रामाणिकता के आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि पहले जितना विश्वविद्यालय था राज्य के हिसाब से काफी कम था वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार कई कई नए विश्वविद्यालय खोला गया है पिछले दिनों आने वाले समय में वो धरातल पर आपको दिखने लगेगा। मेडिकल क्षेत्र में भी वैसे ही काम हो रहा है कई कई मेडिकल कॉलेज नए मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। आज के समय में वर्तमान समय में चाहे आप भारत सरकार को कहें चाहे राज्य सरकार को कहें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार भारत में चल रहा है उन्होंने कौशल विकास को स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही फोकस किया है और इस कौशल विकास में हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की भी आवश्यकता है हर क्वालिटी या हर वर्ग के लोगों के लिए इसमें जॉब का प्रावधान किया गया है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कौशल विकास के माध्यम से जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उस अनुसार आगे बढ़ेंगे जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उस अनुसार उनके लिए रोजगार का प्रावधान किया जा रहा है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में कल कारखाने या उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं यार आप लोगों को अभी व्हाट्सएप चलेगा दिन भर आप लोगों को नया टिप्स दिया जाएगा। हम जैसे ही कहे कौशल विकास में कई कई ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जा रहा है प्रशिक्षित किया जा रहा है तो हमारे समाज को विशेष करके जनजाति समाज को इसमें भाग लेना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए। व्यापार के क्षेत्र में मोमेंटम झारखंड जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार झारखंड के इतिहास में कराया और इस मोमेंटम झारखंड के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर अपने झारखंड में आए हैं और उनका काम चल रहा है अभी तो साल भर होने पर है और वो हमें लगता है दो चार महीने के अंदर या छह महीने के अंदर वो
आंदोलन का आखिर रिजल्ट क्या आया है। और इसमें इस राज्य के युवक युवतियां जो बाहर के राज्यों में काम खोजने के लिए, जॉब लेने के लिए लोग जाते हैं, वो अब पलायन करने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमारे राज्य का प्रतिभा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि सम्मान के साथ अपने ही राज्य में उनको यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर सरकार के माध्यम से उनको दिया जाएगा। अभी स्टार्टअप इंडिया हम लोग सुनते हैं, स्टार्टअप इंडिया आज या स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भी बहुत फोकस किए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो फोकस किए ही हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि नए लोगों को रोजगार के लिए नया नया अवसर मिल रहा है, और आपके माध्यम से जो नए आइडिया आएंगे, आपके आइडिया को सरकार एक्सेप्ट करते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, और आने वाला समय में युवाओं के माध्यम से जो आइडिया सामने आ रहा है उसके माध्यम से राज्य में काम भी होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें, जिस तरह से प्री बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के प्रमंडल वाइज या कोने कोने में जा रहे हैं और लोगों से प्री बजट के लिए सुझाव मांगते हैं, हो सकता है उसमें आप लोग भी होंगे। पिछले दिनों भी पिछले बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिलों में गए थे और उसमें से कई ऐसे लोग गांव के लोगों का जो सुझाव था और उन्होंने उनका इम्प्लीमेंट किया है। आप लोगों के लिए भी हम इसलिए ये एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आपके माध्यम से जो भी सुझाव आज इस वर्कशॉप के माध्यम से आएगा, यहाँ पर सीएस मैडम, मुख्य सचिव मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, तो मुझे लगता है उसके अनुसार आने वाला समय में आपको अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से मिलेगा, और आपका आइडिया बढ़ाने के लिए, आइडिया लेने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। इतना तो आपको आज तक का शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उसमें आपको दिख गया होगा। आज अगर हम एक समाज की बात कहें या फिर उन लक्षित वर्ग की हम बात कहें जो जिनको लोगों के सामने जाने से वो कतराते हैं, अपना आवाज निकालने से वो कतराते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मंच है। आप निसंकोच आप 2 शब्द में ही अपना सुझाव दीजिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है प्रोसेडिंग में आपका चीज आएगा कि किस तरह से आप किस चीजों का डिमांड किए हैं और उस अनुसार आपके लिए यहाँ पर रास्ता खोला जाएगा ताकि हर लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। जनजाति समाज के लोग, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग जो बिल्कुल जंगलों में और पहाड़ों में या सुदूर ग्रामीणों में रहते हैं, और ये अधिकतर ये वन एवं जमीन से जुड़े हुए जो धंधा है, संसाधन है, उन्हीं पर ये निर्भर रहते हैं। हमें मुख्य रूप से इन्हें फोकस करने की आवश्यकता है कि ये सामान्य लोगों के साथ किस तरह से कदम मिला सके और सामान्य लोगों के पंक्ति में वो आ सके। मुझे लगता है उनको फोकस करते हुए बाकी सभी लोगों को जो जिनके हाथ में रोजगार नहीं है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, उनको विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है और उन्हें स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। यहाँ एक दो क्योंकि मैडम यहाँ पर, सीएस मैडम यहाँ पर बैठी हुई है, मैं एक आध बात ही करना चाहूंगी इसमें। पिछले दिनों हम लोगों माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन का झारखंड से लॉन्च किया था। मुद्रा लोन के माध्यम से बहुत लोगों ने लाभ लिया होगा और स्टार्टअप के माध्यम से भी बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। जो लाभ नहीं ले पा रहे आज वैसे लोग यहाँ आए हैं और राज्य में मुझे लगता है 60% लोग वैसे हैं। तो मुद्रा लोन को और आसान करने की आवश्यकता है ताकि ठीक है जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं या थोड़ा एडवांस है वो तो थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन जिनके लिए हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं स्वयं जानती हूँ, मैं जो देखा हुआ चीज है हम उसी को बोल रहे हैं। तो इसको बैंक के साथ एक बार बैठक करते हुए और जिन लोगों का आज एप्लीकेशन आता है, प्रपोजल आता है, उन लोगों का एक जिस तरह से आज आपने यहाँ कॉल किया है मीटिंग, उसी तरह से उस मीटिंग को भी बुलाया जाए और इनको भी
बुलाया जाए ताकि आपके सामने सरकार के सामने उसका समस्या त्वरित गति से समाधान हो सके। तो मुझे लगता है इनका हर समस्या का समाधान होगा। साथ ही साथ बाजार की उपलब्धता, सरकार ने बाजार की उपलब्धता के ओर कदम आगे बढ़ाया है, उसका उसी का एक कड़ी हमारा यहाँ पर झारखंड के हमारे माननीय रेणु जी बैठी हुई है, हमारा खादी ग्राम बोर्ड है, इस तरह का स्किल डेवलपमेंट है, उसके माध्यम से लोगों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि समय का मांग या बाजार का मांग क्या है, उस ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये जो हमारा उक्ति है वो बिल्कुल साकार हो जाएगा। मुझे लगता है मैं एक बात जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं आपसे हम जानना चाहेंगे, एक आध शब्द में आप हमें जवाब देंगे। आज जिस मीटिंग में, जिस वर्कशॉप में आज आप आए हैं, ऐसा कभी किसी वर्कशॉप में आप शामिल हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। हमारे जनजाति समाज के भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? है। इससे 100% आप अगर लाभ लेंगे तो हमारा समाज, जनजाति समाज जो है आने वाला समय में परिवर्तित होते नजर आएगा और हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आज आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए, हम अपने समाज के लिए एक रोल मॉडल अपने आप को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय झारखंड।